हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पवन और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आई टेक नॉलेज पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप पासपोर्ट साइज फोटो बना सकते हो कुछ मिनटों में। तो दोस्तों इसके लिए आपको हमारा ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना होगा। और दोस्तों अगर आप पहली बार अपने चैनल पर आए हो तो अपने चैनल को नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिए और पास में बेल आइकन है उसे ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मिलती रहेगी इस प्रकार की आने वाली वीडियो की सबसे पहले जानकारी। तो दोस्तों पासपोर्ट साइज फोटो बनाने के लिए सबसे पहले अपने वो करना होगा अपने फोटोशॉप को ओपन। जैसा ही दोस्तों आप अपने फोटोशॉप एडोब फोटोशॉप 7.0 या आपको डाउनलोड कर लेना है या इसको किसी कंप्यूटर या मित्र की दुकान से जाके इसको अपने पेन ड्राइव में लेके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना है। जैसे दोस्तों आप इसको अपने कंप्यूटर में ओपन करोगे तो ये कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। और आपको इसमें फोटो को इस पे एडोब फोटोशॉप पे लेने का दो तरीका है, या तो आप फाइल पे जाके ओपन पे क्लिक करके फोटो को ले सकते हो या फिर आप स्क्रीन पे डबल बार क्लिक करके भी आप फोटो को जहाँ पे भी आपकी फोटो सेलेक्ट है वहाँ से आप अपनी फोटो को ले सकते हो। जैसा ही दोस्तों अपनी फोटो यहाँ है तो एक फोटो को ले लेते हैं और यहाँ से इस पे अपनी फोटो का बैकग्राउंड चेंज करने के लिए अपन यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे ये ऑप्शन आता है या मैजिक टूल्स, इस पे आपको क्लिक करना है और आपको डी कर देना है। जैसे दोस्तों आप डी करोगे डिलीट, सो जैसे आप डिलीट करोगे तो आप जैसा कि आप फोटो का बैकग्राउंड आप जो भी आपको बैकग्राउंड पसंद हो वो आपको बैकग्राउंड ले लेना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपनी फोटो का बैकग्राउंड ले सकते हो। और दूसरी बात, अगर आपकी फोटो थोड़ी डार्क आ रही है तो आप इसको लाइट भी कर सकते हो। यहाँ से कंट्रोल एम करके आपको अपनी फोटो को डार्क ये इस तरीके से आप अपनी फोटो को चमका भी सकते हो। जैसे कंट्रोल एम करके आप अपनी फोटो को या तो डार्क ज़्यादा लाइट हो रही है तो आप डार्कनेस कर सकते हो या लाइट कर सकते हो। इस तरीके से आप अपनी फोटो को डार्क या लाइट कर सकते हो। कंट्रोल एल करके भी आप अपनी फोटो को लाइट और डार्क कर सकते हो। इस तरीके से दोस्तों आप अपनी फोटो को डार्क और लाइट करके या फिर आप जैसे आप दूसरा कलर चेंज करना चाहते हो तो आप यहां से कलर भी दूसरा चेंज कर सकते हो। इस तरीके से दोस्तों आप अपनी फोटो का कलर चेंज करके आपको यहां पे क्रॉप का ऑप्शन है। क्रॉप यहाँ पे आपको साइज ले लेनी है, विड्थ 3.5 सेंटीमीटर, हाइट 4.5 सेंटीमीटर और रेजोल्यूशन 200 क्लिक करके आपको अपनी फोटो को क्रॉप कर लेना है और आपको एंटर दबा लेना है। जैसे दोस्तों आप एंटर दबाओगे फोटो को ऑल सेलेक्ट करके कंट्रोल टी कर देना है। जैसे कंट्रोल टी करोगे यहाँ पे आपको वाइट बैकग्राउंड ले लेना है। Alt ES दबा देना है। Alt ES दबाते हैं दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। अपनी फोटो को सिलेक्ट करके रखना है पहले, जैसा कि ऐसे तो नहीं बताएगा लेकिन माउस का राइट बटन दबाना है, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है। Alt ES दबाओगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगा। विड्थ यहाँ पे 2 पिक्सल रखनी है और कलर आपको यहाँ पे ब्लैक ले लेना है। इससे क्या होगा कि आपकी फोटो के चारों तरफ इस तरीके से एक बॉर्डर आ जाएगी ब्लैक कलर में। और उसके बाद में आप फोटो को सिलेक्ट करके कंट्रोल टी दबाओगे, उसके बाद में आप फोटो को थोड़ा सा छोटा करोगे तो इस तरीके से पीछे वाइट बैकग्राउंड आ जाएगा। और वापस अपनी फोटो को सिलेक्ट करके आपको एडिट पे क्लिक करके यहाँ पे डिफाइन पैटर्न आता है इस पर क्लिक करना है और ओके क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको न्यू पेज ओपन करना है। जैसे आपको न्यू पेज ओपन कर लेते हो यहाँ पे रेजोल्यूशन 200 रखना है और ओके क्लिक कर देना है। इसको सेलेक्ट करके आपको इमेज पे जाके रोटेट कैनवास 90 डिग्री CW कर देना है। इसको यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पे फिल पे क्लिक करना है और आपको जो भी आपकी फोटो है वहाँ से आपको अपनी फोटो को ले लेना है और ओके कर देना है। और जैसे ये इधर में साइड में अलग फोटो आ रही है तो यहाँ पे कोने पे सेलेक्ट का ऑप्शन है, यहाँ से इसको कंट्रोल डी कर देना है। इधर से भी इसको डी कंट्रोल ये डिलीट करके आपको अपनी फोटो को यहाँ से सेलेक्ट करके कंट्रोल दबाए रखना है और अपनी फोटो को पिक साइज में ले लेना है। जैसे आप अपनी फोटो को यहाँ पे ले लेते हो तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ये पेज ये फोटो आ जाती है।
इसको सिलेक्ट ऑल करके आपको एडिट पे इमेज पे जाके रोटेट कैनवास ये इस तरीके से आप फोटो को क्लिक करके कंट्रोल पी कर देना है और अपनी फोटो को स्केल टू फिट मीडिया पे क्लिक करके आपको प्रिंट आउट दे देना है। जैसे मेरे पास कैनन जी 2010 सीरीज है तो आपको यहाँ से प्रिंट दे देना है। प्रॉपर्टीज में जाके आपको यहाँ पे अपने प्रिंट आउट जैसे स्टैंडर्ड में रखना है और फ्लाइन पेपर हार्ड ग्लोसी जिस टाइप में आपको रखना है तो आप करके अपना फोटो का प्रिंट आउट दे सकते हो। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने इस वीडियो को लाइक करें। अपने चैनल पर अगर पहली बार नए आए हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।